हेलो, क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे दो डिफरेंट कंप्यूटिंग टॉपिक्स के बारे में। एक है ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग और सेकंड है पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग के बारे में। अब ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग इज़ अ न्यू विजन ऑफ कंप्यूटिंग विच इज़ इनिशिएटेड बाय IBM। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग है इसका जो इनिशिएशन किया है वो किया है IBM ने। सो इट इज़ इनिशिएटेड बाय IBM। अभी है क्या, इट इज़ अ सिस्टम दैट सपोर्ट्स कंप्यूटिंग टू परफॉर्म एंड वर्क विदाउट एनी आउटर कंट्रोल। मतलब एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी हो गई जो अपने आप ही काम कर रही है। सो इट इज़ अ सिस्टम दैट सपोर्ट्स कंप्यूटिंग टू परफॉर्म एंड वर्क विदाउट एनी आउटर कंट्रोल। एंड द एम ऑफ ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग इज टू हैव द कंप्यूटर कैरी आउट क्रिटिकल फंक्शंस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि जो कंप्यूटर है वो अपने आप ही सीखे, अपने आप ही लर्न करे, अपने आप को कन्फिगर करे और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, क्रिटिकल फंक्शन को सॉल्व कर सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब ह्यूमन की जरूरत ही ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग। अब इसके जो की एलिमेंट्स हैं ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग के, वो हैं की एलिमेंट्स आप लिख सकते हो इसके। वन इज़ नो इट्सेल्फ, अपने आप जान जाए कि क्या करना है। सेकंड इज़ कन्फिगर इट्सेल्फ, अपने आप ही कन्फिगर कर ले अपनी रिसोर्सेज को। ऑप्टिमाइज इट्सेल्फ, जो फंक्शंस हैं उनकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को अपने आप ऑप्टिमाइज कर ले। देन द फोर्थ इज़ हील इट्सेल्फ, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो अपने आप उसको हील कर ले उस प्रॉब्लम को। प्रोटेक्ट इट्सेल्फ, कोई अगर सिक्योरिटी का थ्रेट है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। देन अडेप्ट इट्सेल्फ, चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग पैरामीटर से अडेप्ट करना। अगर ये सब चीज़ें कोई सिस्टम अपने आप कर लेता है तो हम उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग। सो नाउ लेट अस सी द बेसिक ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। देखो, जिस तरह से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, जो भी रिसोर्स है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक रिसोर्स है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, उसके बारे में चीज़ों को मेजर करना या उन चीज़ों को एनालाइज करना, देन उनके बारे में कुछ डिसीजन लेना एंड फाइनली उन चीज़ों को कंट्रोल करना। तो इस तरह से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब इस रिसोर्स की जगह हमारे पास यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट होगा जो कि एक सिस्टम का एलिमेंट होगा जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। सो वी विल हैव एन एलिमेंट हेयर। ठीक है, अब इस एलिमेंट की जो मेजर है उसको क्या करेंगे। अब यहाँ पे तो कुछ नर्वस सिस्टम्स नहीं है जो करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव सेंसर्स। ठीक है, सेंसर्स एंड जो इसको कंट्रोल करेगा उसको आप कह सकते हो इफेक्टर्स। तो सेंसर्स हैं और इफेक्टर्स हैं और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सो देन वी हैव दिस मॉनिटर टू मॉनिटर द चेंजेस और द मॉनिटर द पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स को मॉनिटर करने के बाद एनालाइज करना, कुछ उनके बारे में प्लान बनाना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। ये बेसिकली पूरा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। अगेन देर आर सेंसर्स एंड इफेक्टर्स फॉर द अदर एलिमेंट। ठीक है, और ये सब जो है ये कनेक्टेड रहता है आपस में एक तरह से सर्कल की तरह। सो दे ऑल आर कनेक्टेड टूगेदर लाइक अ सर्कल। ठीक है, अब इन सब से देखो जो बीच में हमारे पास है, जो बीच में हमारे पास ये है, ये क्या है बेसिकली, इन सब से क्या हो रहा है, हमें नॉलेज मिल रही है। ये जो सिस्टम है एक नॉलेज को गेन कर रहा है, नॉलेज को लर्न कर रहा है और उसके बाद इस एलिमेंट को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहा है, चेंज कर रहा है। सो दिस इज़ दी ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। अब इसमें हमारे पास दो मेन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे।
दिस पार्ट अप टू दिस इट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक मैनेजर. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक मैनेजर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मैनेज्ड एलिमेंट. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या कर रहा है, इस वाले पार्ट को मैनेज कर रहा है. सो दिस इज ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. सो नेक्स्ट इज पैरेलल कंप्यूटिंग. अब पैरेलल कंप्यूटिंग देखो है क्या बेसिकली. सो पैरेलल कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और उन सबको कंकरेंटली हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो अ पैरेलल कंप्यूटिंग इज़ हेल्पफुल इन कैरिंग आउट कंप्यूटेशन ऑफ ए प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. कि एक ही प्रोग्राम की कंप्यूटेशन को साइमल्टेनियसली कंकरेंटली रन करने के लिए हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं. अब ये कैसे होगा, ये किसकी मदद से हो सकता है, इफ़ वी आर यूजिंग मल्टीपल CPUs. सो इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल CPUs. सो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल CPUs का यहाँ पे यूज़ होता है. अब इसमें हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्रिड कंप्यूटिंग है, दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग. पैरेलल कंप्यूटिंग की तरह ही है, स्पेशल टाइप है पैरेलल कंप्यूटिंग के, इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ऑन ए नेटवर्क. सो पैरेलल कंप्यूटिंग में आप एक चीज़ कह सकते हो दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन. मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन इसकी. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन इन विच मैनी कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली. इन विच मैनी कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली. और वो होता है किसकी मदद से, मल्टीपल CPU की मदद से. अब इसको करते कैसे हैं, इसमें आप लिख सकते हो अ डिस्क्रीट प्रॉब्लम और अ प्रॉब्लम इज ब्रेकन डाउन और ब्रोकन इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स. सो द प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स. दैट कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियसली. जैसे कि हमने ग्रिड कंप्यूटिंग के टाइम पे देखा था कि एक इक्वेशन को अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दें तो वो अलग अलग जगह से सॉल्व हो सकती है. सो सेम इसी की तरह होता है. ठीक है, सो दिस इज पैरेलल कंप्यूटिंग. सो पैरेलल कंप्यूटिंग में देखो कैसे होता है काम. सपोज एक प्रॉब्लम है वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेड ऑफ 4 स्टूडेंट्स. तो हमें कि सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें 4 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, उन 4 ग्रेड्स को जो कैलकुलेट करना है हम उसको 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लेंगे. सो लेट अस से कैलकुलेट ग्रेड फॉर स्टूडेंट 1, कैलकुलेट ग्रेड फॉर स्टूडेंट 2, कैलकुलेट ग्रेड फॉर स्टूडेंट 3 एंड कैलकुलेट ग्रेड फॉर स्टूडेंट 4. ठीक है, सो 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लिया. देन फाइनली क्या हुआ, ये जो प्रॉब्लम थी ये हमारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर ब्रेक हो गई. मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली. सो इंस्ट्रक्शंस आर देयर एंड फाइनली दीज इंस्ट्रक्शंस आर फेड टू डिफरेंट CPUs. ईच इंस्ट्रक्शंस विल बी सेंड टू डिफरेंट CPU. ये ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल CPUs का यूज होता है. सो लेट अस से CPU नंबर 1 CPU नंबर 2 CPU नंबर 3 एंड CPU नंबर 4. तो ये जो प्रॉब्लम थी एक कैलकुलेट ग्रेड ऑफ 4 स्टूडेंट्स, इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में किया, इंस्ट्रक्शंस बनी उन प्रॉब्लम्स की और फाइनली हर इंस्ट्रक्शंस को अलग CPU के पास दिया गया. अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट अ
रिजल्ट. सो हम कह सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट कैन बी अ कंबाइंड रिजल्ट, या हमें फाइनली एक आउटपुट मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ द पैरेलल कंप्यूटिंग वर्क्स. अब इस पैरेलल कंप्यूटिंग के अगर आप देखते हो कि कुछ एडवांटेजेस हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस आपको दिखते हैं, इसको यूज़ करने के रीजंस क्या क्या लगते हैं. सबसे पहला तो इट सेव्स टाइम एंड परफॉर्म्स द टास्क इन लेस मनी और विद लेस रिसोर्सेज. सो सेव्स टाइम्स एंड परफॉर्म टास्क विद लेस मनी. ठीक है. सेकेंड, कंकरेंसी को प्रोवाइड करता है. कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रॉब्लम्स या मल्टीपल टास्क हो रहे हैं. थर्ड, हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. सो हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कंप्यूटिंग. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.